नालासोपारा वसई विरार में एक बार फिर से तेज बरसात के चलते आम जनता को खासी समस्या का सामना करना पड़ा। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये नालासोपारा के तुलिंज ब्रिज के इलाके की तस्वीर है, जहां पर आम जनता को अपनी यात्रा तय करने में खासी मशक्कत करना पड़ रहा है। कई यात्री अपने मुंबई से काम करने के बाद अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, जहां पर उन्हें इस जल भराव से निकलते वक्त काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये नालासोपारा दत्तनगर का इलाका है, जहाँ पर जल भराव होने के साथ साथ बत्ती गुल भी नजर आई, जिसके बाद राहगीरों को अंधेरे से अपनी यात्रा तय करना पड़ा। इतना ही नहीं, शहर में कई सारी दुकानें जल भराव के चलते डूब गई, जिसकी वजह से उनका खासा सामान खराब हो गया। कई लोगों का लाखों में तो कई का हजारों में नुकसान भी हो गया। राहगीरों को अपनी यात्रा तय करने में किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तस्वीरें आपको साफ तौर पर बता रही हैं। कई सीनियर सिटीजन, तो कई बच्चे, तो कई बूढ़े बड़े अपनी यात्रा को इस प्रकार तय करते नजर आए, तो कईयों की वाहन इस पूरे जल भराव में डूब गए, जिसकी वजह से वाहन को चलाने में खासी दिक्कत हुई और गाड़ियां इस प्रकार से ले जाने में विवश हो गए। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं किस प्रकार का माहौल है और जनता कितना परेशान है। ऐसे में इस पूरे माहौल के बीच में महानगर पालिका प्रशासन क्या कुछ करती है और आने वाले समय में जनता को क्या इस पूरे जल भराव से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस कदम उठाती है, या फिर से आया राम गया राम की तरह महानगर पालिका अपने हाथ ऊपर करके कह देगी कि हमने तो काम किया था, अब तेज बरसात हुई तो हम क्या करें। एंटी करप्शन न्यूज क्रिप सचिन दीक्षित, वसई विरार। हाँ आ जा।